लोग कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो सब बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु में और अधातु में अंतर। और ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास के लिए है, और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बाबू वीडियो को अंत तक देखोगे और इनको पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो देख रहे हो ना मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातुएं और धातुएं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन आपका यही है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हो वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए इस तरह से क्या करोगे, दो कॉलम बना लेना, एक तरफ धातुएं और दूसरे तरफ अधातुएं लिखोगे। धातु के बारे में आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, अधातु के बारे में भी आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग धातु और धातु का डिफिनेशन नहीं बताएंगे, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, रासायनिक गुणों के आधार पर करेंगे। तो पहला पॉइंट में लिखोगे धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। आप लोग का पता है कि जितने भी धातुएं हैं वो विद्युत धनात्मक होती है, जैसे सोडियम धनात्मक, कैल्शियम धनात्मक के फॉर्म में है, मैग्नीशियम धनात्मक, एल्यूमिनियम धनात्मक, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी धातुएं होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, यानी उन पे चार्ज तो देखोगे धन में होगा, ऋण में नहीं होगा, ठीक है। तो धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, जैसे एग्जाम्पल में Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+। अब यहाँ पे और धातुएं में लिखोगे और धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे O2-, H2-, Cl- इत्यादि। अपवाद में हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, धातु नहीं है, ये अधातु है। तो एक अपवाद में याद रखना H+, ठीक है। अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे O2-, H2-, Cl- इत्यादि। अपवाद में हाइड्रोजन को याद रखोगे। ये क्वेश्चन जो है बाबू इंपॉर्टेंट है, इनको पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करोगे। चलिए दूसरे पॉइंट में देखते हैं। लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन के साथ, धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातुएं ऑक्साइड बनाती है। जैसे ये आपका मैग्नीशियम क्या है? धातु है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो ये आपको MgO जो प्राप्त हुआ है, ये क्षारीय धातु ऑक्साइड है। तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं? क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Ca क्या है? धातु है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा, Ca का निर्माण हुआ, तो ये जो है ना क्षारीय धातु ऑक्साइड है। तो याद रखना धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। वही अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे सल्फर जो है अधातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा SO2 बनाती है। SO2 जो है वो अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड है, याद रखना, भूलना नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबू आप लोग पूरी ईमानदारी से वीडियो को क्या करोगे, देखोगे, ठीक है। उसी तरह कार्बन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, CO2 बना, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। यानी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। वही धातु जो है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। जैसे ये आपका क्या है? धातु के ऑक्साइड है, जल के साथ रिएक्शन करा या जल में घुला तो आपको NaOH बना, NaOH क्या है आपका? क्षार है। तो धातुओं के ऑक्साइड जो है ना जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। और धातु के ऑक्साइड जो है ना जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? धातु ऑक्साइड है, ये जल में आपका घुल गया तो क्या बना? H2SO4, H2SO आपका जो है 3 बना, तो ये H2SO3 क्या है? अम्ल है। तो याद रखना अधातु के ऑक्साइड जो है SO2 क्या है? अधातु के ऑक्साइड है, जल में घुला तो जल में घुलकर क्या बना? आपको अम्ल बना। तो याद रखना धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना बाबू, भूलना नहीं। चलिए चौथा पॉइंट है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर, धातुएं जो है ना जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस बात को याद रखना, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। वही अधातु जो है ना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, लेकिन धातुएं जो है ना जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर लोगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज की क्लास यही से समाप्त करते हैं, धन्यवाद।